शायद हमारे साथ हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर भी बोला तो बहुत अच्छा लगेगा। जय भीम, जय भीम। नहीं बोला, नहीं। आज यहाँ पे क्यों आया, हम सीधा पॉइंट पे आएंगे। हम भाई जो जजमेंट आया, जजमेंट के बाद जितना भी हल्ला हुआ, ये जो हल्ला को आप लोग सीरियसली लेना पड़ेगा ही है। जो जिस देश में, देश का अंदर तो दलित लोगों का जो एंगर जो है, वो परसों हमने देखा टीवी पे। ये एंगर सिर्फ रिजर्वेशंस का या कुछ एससी एसटी बातों के लिए नहीं है। ये जो है, हर रोज हमारा माँ और हमारा बहन लोगों के ऊपर जो हमला हो रहा है, वही है ये गुस्सा। आप लोग ये समझना, जो कोर्ट जो अंधा हो गया, वो जो कानून जो है, द जस्टिस हैज बिकम वेरी मच ब्लाइंड। I'll give you a few instances, two instances. But देखो, वो जो जजमेंट का, I'm not going to tell that what is the basic characteristics of SC ST Atrocities Act. आप हम सबको पता है, शायद जो जजमेंट दिया उनको पता नहीं हुआ होगा। शर्म की बात है ये। क्या ये जो एक्ट जो बनाया, क्या हमको प्रोटेक्शन के लिए बनाया, क्या हमको खत्म करने के लिए बनाया? And we request you people, please, आप जितना भी लोग बैठा है यहाँ पे, मंत्री जी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितना भी लोग है यहाँ पे, आप हमारा तरफ से लड़ना ही पड़ेगा। ये हमारा तरफ से रिक्वेस्ट मानो, जो भी मानो, आप लोग हमारा पक्ष रहना ही है। अभी सरकार कोई भी हो, पिछले 70 ईयर्स से हम लोग भुगत रहे इस एट्रोसिटीज को, क्या नहीं रोक पाएंगे? आप लोग आवाज आवाज उठाए तो, can't we stop this enormous nonsense which is going on in the country? And it is simply nonsense, I'm telling you. Two things I would like to, I hope that, you know, I mean, they will, you know, raise this matter. And I'm sure that, you know, I mean, they are going to take this matter seriously. Two things. The judgment ka bare mein, judgment jab pad raha tha, my 90 pages ka judgment, mera kulam jal raha tha. But it is such a ridiculous judgment. No justice can give that. No justice can be arrived in future. By your future ke baare mein aap bol raha tha, future is zero if government doesn't take on this action seriously. By iska upar sarkar seriously, you have to take things much more seriously. Otherwise, SCs are not going to be safe in this country. By pura maar ke humne dekha. जो क्या वो जज को ये पता नहीं है? भाई मैं लिस्ट पढ़ रहा हूं, लिस्ट में क्या है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, कारण चेडो, जब मैं बच्चे था आंध्र प्रदेश में मैं पढ़ रहा था, मार मार के भगा के मारा, भाई कौन जिम्मेदारी है? ये फॉल्स केस है। कारण चेडो, चुंडूर, वेमपेंटा, लखीमपे, जज्जर, मिर्चपुर, उन्ना, सहारनपुर, कैरलांजी, जहानाबाद, लक्ष्मणपुर, बातें लिस्ट चलता रहेगा। क्या जज लोगों को यह पता नहीं है? भाई 2% या 5% को केसेस को लेके आप लोग ये बोल रहा है, भाई ये फॉल्स का केस है, इनोसेंस है। कौन इनोसेंस है? तुम कैसे डिसाइड करोगे ये इनोसेंस है? तुम्हारा मन में जो है वो ब्राह्मणवाद का, वो खत्म करेंगे हम अम्बेडकर वाद को। ये खत्म करने का कई वक्त आ गया। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले लूंगा सर, शायद आपको किसी को बुरा भी लगने तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं कल स्टूडेंट से बात कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंदर रिजर्वेशन का भी मामला चल रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी को लेके पूरा वो रोस्टर सिस्टम ने बदल दिया पूरा। जो आज जैसा मेरा जैसा लोग, 2-3 लोग यूनिवर्सिटी का अंदर आया, वो भी खत्म होने वाला है। भाई बाबा साहब के बारे में कौन बोलेगा यूनिवर्सिटी के अंदर? कोई भी नहीं बोलने वाला है। कोई दूसरा वाले के बारे में बोलने के लिए तैयार हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर, कैसे चलेगा? ये जो है हमारा लोगों के ऊपर इतना डेरिगेटरी कमेंट्स यूज किया जजमेंट के अंदर, आप लोग ध्यान से सुनना। वो बोलता है जजमेंट के अंदर हमारा लोगों को बोलता है अनस्क्रूपुलियस। कौन है? सारे एससी एसटी लोग अनस्क्रूपुलियस है। जिसका माँ का ऊपर, जिसका बहन का ऊपर वो हमला हो रहा है, हम आगे भी बहुत मांगे, सुरेश बहुत मांगे, अभी भी रोहित वेमला जिंदा है, अभी भी बहुत मांगे फैमिली जिंदा है हमारे मन में।
हम नहीं चुप बैठेंगे। आज सड़क पे ये हम सोच लो, आज हम सिर्फ सड़क पे ही है। अब उतरा तो कहां तक जाएगा मामला आपको पता है। ये जो है अभी शुरुआत हुआ लड़ाई, अभी शुरुआत हुआ। मैं 17 ईयर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं, 6 प्रोफेसर है, सिर्फ 6 प्रोफेसर दलित समाज से, 6 प्रोफेसर, एक प्रिंसिपल भी नहीं है, एक प्रिंसिपल भी नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंदर। क्या कर रहा है सरकार, कोई भी सरकार हो। सर मेरे, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे सोशल जस्टिस मांगने के लिए आया, हमारा हक मांगने के लिए आया। हम आपको सवाल कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे तरफ खड़ा रहो, खड़ा रहना बहुत जरूरी है, जरूरी है। आपको जरूरी है नहीं जरूरी है आप डिसाइड कर लो, नहीं तो हम आप रिप्रेजेंटेटिव है। सर हमारा रिप्रेजेंटेटिव है आप पार्लियामेंट में। रिजर्वेशन बाबा साहब अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जो रिप्रेजेंटेशन को आप लोग सीरियसली लेके, ये जो एंगर को देख के आप लोग एटलीस्ट जस्टिस के लिए मंच में, जहां जहां आप लोग मंच में है वहां वहां आप लोग लड़ाई करना जरूरी है, जरूरी करेगा अब लड़ाई करेगा आप। और हमारे से रिक्वेस्ट है, ये हमारे से रिक्वेस्ट है, ये यूर ऑल हॉनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन, देर इज अ रेस्पेक्टेबल मिनिस्टर हियर, ये सब लोग हमारा लोग इकट्ठा होके कटिंग अक्रॉस पार्टीज, इफ यू ऑल कम टूगेदर, सरकार भी हो इवन सुप्रीम कोर्ट भी हो, वो नीचे आना ही है, आएगा जय भी। और एक चीज है, ऐसे मंच में 2 मिनट बोलना, 5 मिनट बोलना अच्छा नहीं लगता भाई, हमको सुनने के लिए आए वो लोग, हमको सुनना ही है, जो भी है लोग यहाँ पे हमको सुनना है भाई, आपको सुनने के लिए नहीं आया, हमारा दर्द को सुन लो, हमारा दर्द को सुन लो। ऑर्गेनाइजर्स भी दे मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल, भाई रतन चले गया क्या, वी आर नॉट एलिजिबल टू सिट हियर, क्या हम लोग एलिजिबल नहीं है यहाँ पे बैठने के लिए, कुर्सी लेके हम कभी भी नहीं लड़ता है, नहीं तो यहाँ पे जब आया हम डिसाइड किया जो बोलना बोलेंगे चले जाएंगे। जय भीम साथियों, लड़ेंगे, लड़ता रहेंगे, जब जान भी दे देंगे लड़ने के लिए।